एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से कई ऐसे सेलेब्स और नेता थे जिन्होंने एक्टर के लिए न्याय की मांग की थी। उन्होंने इस मामले को सिर्फ आत्महत्या तक सीमित करना गलत माना था। इसी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था एक्टर शेखर सुमन का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। लेकिन अब सुशांत के निधन को एक महीना होने जा रहा है, शेखर सुमन की लड़ाई थोड़ी कमजोर पड़ती दिख रही है। शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिनके जरिए उनके मन में चल रहे अंतर्द्वंद को साफ समझा जा सकता है। अपने शुरुआती ट्वीट्स में शेखर सुमन खुद को सुशांत मामले में दूर करने की बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब परिवार ही चुप है तो कोई दूसरा कैसे न्याय की बात कर सकता है। वो ट्वीट में कहते हैं, जिन लोगों ने इस मुहिम में मेरी आवाज को मजबूत किया है उन्हें मेरा शुक्रिया, लेकिन अब मैं इस मामले में थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। परिवार बिल्कुल चुप है, ये बात मुझे कसोट रही है। मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। शांत रहना उनका हक है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वहीं एक और ट्वीट में शेखर सुमन ने उम्मीद जताई है कि सुशांत मामले के जरिए पूरी दुनिया को हमारी एकजुटता देखने का मौका मिलेगा। सभी को पता चलेगा कि लगातार आवाज उठाकर कैसे एक सिस्टम को अंदर तक हिलाया गया और कैसे उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली। अब जब सोशल मीडिया पर शेखर सुमन के ये ट्वीट वायरल होने लगे हैं तो सभी को लगने लगा था कि सुशांत को न्याय दिलवाने में अब एक साथ ही कम हो गया है। तब शेखर सुमन का एक और ट्वीट आया। शेखर सुमन का वो ट्वीट न सिर्फ एक यूटर्न था बल्कि वो उनके मन में चल रहे उथल पुथल को भी समझा रहा था। शेखर ट्वीट में कहते हैं, मैंने दोबारा सोचा और मुझे महसूस हुआ कि हमें कई सारे लोगों की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी। क्या हुआ अगर परिवार साथ नहीं आता? सुशांत पब्लिक फिगर थे और हम उनके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में अब शेखर सुमन, सुब्रमण्यम स्वामी और रूपा गांगुली कुछ ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने इस न्याय की मुहिम को तेज किया है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।